ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और जे उसो फाइनली क्वालिफाई हो चुके हैं बैड ब्लड के अंदर। साथ ही साथ भाई ब्रॉनसन रीड का हमें फिर से रिटर्न देखने को मिला जो कि आकर ब्रॉन और स्टोवेन के ऊपर अटैक कर दिए हैं। इसके अलावा भाई हमें बहुत सारे और भी कमाल की चीजें आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिला, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें चैट केवल अपने टीम के साथ देखने को मिलते हैं क्योंकि आज के रॉ के ऊपर अंकल हॉडी के टीम के साथ इनका फाइट होने वाला था। और भाई यहाँ पर मैं पूरे मैच को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। सबसे बेहतरीन मैच में से एक मैच था। मैं कभी भी अंकल हॉडी के टीम से ऐसा मैच मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हाँ उन्होंने ऐसा मैच इससे बेहतरीन मैच इन्होंने डिलीवर करके दिखाया। ओवरऑल भाई मैच की एंडिंग के बारे में बात करें तो अंकल हॉडी पहले पूरे मैच को देख रहे थे पर लास्ट में अंकल हॉडी को आना पड़ता है और अंकल हॉडी अपना सिस्टर एबिगेल फिनिशर लगाते हैं, उसके बाद इस मैच के अंदर विन कर जाता है उनका टीम। वैसे देनिस को नेक्स्ट मैच के ऊपर हमें फिन बैलर देखने को मिलते जो की आते के साथ डेवन प्रिस्ट को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते, इसलिए बोल रहे थे ताकि डेवन प्रिस्ट उनके सामने निकलकर सामने आए, उसके बाद वो मारे डेवन प्रिस्ट को। एक्जेक्टली होता भी वही है, डेवन प्रिस्ट उसके बाद सामने आता है, डेवन प्रिस्ट थोड़ा बहुत बात करते हुए उसके बाद डेवन प्रिस्ट का पिटाई यहाँ पर शुरू होता है। जजमेंट डे के ऑलरेडी लोग सारे लोग वहीं पर थे, वो सारे लोग आकर मारना शुरू कर देते हैं डेवन प्रिस्ट को। तभी सामने से भाई रिया रिप्ली आती है और रिया रिप्ली के हाथ में बैसाखी होता है, थोड़ा सा लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक करती है। पीछे से डोमना आ जाता है और डोमना भाई उस बैसाखी को पकड़ लेता है, पीछे से लिव मॉर्गन उल्टा रिया रिप्ली के ऊपर अटैक कर देती है। भाई कुल मिलाकर बात यह हो चुका था कि रिया रिप्ली अब कुछ नहीं कर सकती थी, डेवन प्रिस्ट भी कुछ नहीं कर सकते थे, दोनों सिर्फ मार खा रहे थे रिंग के बीचों बीच। यहाँ पर किसी का सहारा चाहिए था जो कि आकर डेवन प्रिस्ट और रिया रिप्ली को यहाँ पर आकर सेव कर सके, और वो हीरो हमारे निकलते हैं इट जे उसो जो कि जैसे रिंग के अंदर आते हैं सारे जजमेंट डे के लोग वहां से भाग जाते हैं तुरंत ही। और फिर उसके बाद भाई मतलब जे उसो जो होते हैं वो सहारा देते हैं रिया रिप्ली को, उसके बाद उनको उठाते हैं वहां से। और आज के शो को पर जजमेंट डे का दो दो मैच था, मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं इसके बाद। वैसे देन इसको नेक्स्ट शो के बैक स्टेज हमें ब्रॉन स्टोवेन देखने को मिलते जो कि इंटरव्यू के अंदर बोल रहे थे मैं ब्रॉन ब्रेकर को हरा दूंगा। ब्रॉन ब्रेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं मोटा सांड तो मुझे कभी नहीं हराने वाला, तुम सिर्फ एक फुला हुआ 7 फीट का मॉन्स्टर है, तुम किसी को नहीं हरा सकते। वैसे देन इसको आगे में शो को पर हमें जेट कारगिल और बियांका ब्लेयर का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता आज के रॉक ऊपर। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा भाई, जो टैग टीम पहले तो उनका मतलब ये रिमैच था आज के रॉक ऊपर। जेट कारगिल और बियांका ब्लेयर भाई सक्सेसफुली अपने टाइटल को रिटेन कर लिया, स्टील वो चैंपियन हमारे। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज एलडब्ल्यू के सारे मेंबर यहाँ पर मीटिंग कर रहे होते कि हम लोग सारा जानकारी ले लिए, हम लोग को अब नहीं हरा सकता जजमेंट डे। एक्चुअली में ड्रैगन लीग का मैच आज के शो को पर जजमेंट डे के साथ होने वाला था, तो यहाँ पर मतलब रेम स्टोर को पता था मेरा बेटा अपने टीम को लेकर आया, तो रेम स्टोर बोलते अगर तुम्हारे पास भी टीम है तो मेरे पास भी टीम, उसको दोनों टीम के बीच हमें फेस ऑफ यहाँ पर देखने को मिलता है बैक स्टेज। वैसे भाई देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें ब्रेट हार्ट देखने को मिलता है, भाई सच में ये तो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था पर हाँ ये काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके। वैसे भाई इनको रॉ के ऊपर सिर्फ एक चीज के लिए लाया गया, ब्रेट हार्ट एक कैनेडियन, इसलिए भाई मतलब आकर कनाडा का सबसे पहले वो तारीफ करते हैं। वो बताते हैं करीब वो 20 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम किए थे, 20 साल तक सबको उन्होंने धोया था, बड़ा कमाल को चैंपियन रहे थे। वैसे देन इसके बाद भाई इनको इंटरफेरेंस करने के लिए सामने से गुंथर आते हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। तो गुंथर आते हैं, गुंथर सिंपल बोलते हैं कि बुढ़ाओ तुम होगा अपने टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर, पर अभी ग्रेट मैं हूं और इसलिए मेरे सामने बकचोदी नहीं, सीधे यहां से निकल जा नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। साथ ही साथ यहां पर गुंथर बोलते हैं तुम मेरा सेकंड फेवरेट रेसलर हो, फर्स्ट मेरा फेवरेट रेसलर गोल्डबर्ग है, और उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है कि भाई गोल्डबर्ग ने गर्दन तोड़ दिया था ब्रेट हार्ट को, उसके बाद इनका रेसलिंग करियर खत्म हो गया था। हां उसके बाद वहां पर सैमी ज़ेन देखने को बोलते हैं जो कि बोलते हैं मेरे पापा का आप मतलब ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। सैमी ज़ेन भी एक कैनेडियन है भाई, इसलिए इस पूरे सेगमेंट को यहां पर सेट किया गया था। वैसे सैमी ज़ेन यहां पर बोलते हैं अगर ज्यादा अगर तुम्हारे अंदर गर्मी है तो मेरे साथ तुम मैच रेसल कर ले। गुंथर बोलते हैं नहीं भाई मैं जा रहा हूं, मुझे मैच नहीं रेसल करना। गुंथर वहां से जाने लगते हैं तो ब्रेट हार्ट बोलते हैं क्या गुंथर तुम कायर हो, तुम क्यों नहीं मैच रेसल कर रहे हो। उसके बाद भाई गुंथर भाई उल्टा जवाब में ब्रेट हार्ट को गाली वगैरह दे देते हैं, इस चीज को मतलब सहन नहीं कर पाते हमारे सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन आकर भाई बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं गुंथर को, पर तुरंत ही रेफरी वगैरह सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता साला जिस फाइट को हम लोग को देखने में मजा आता है भाई वहां पर रेफरी कैसे 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें बुच देखने को मिलते हैं जिनका यहां पर बस फेस ऑफ ऐसे ही देखने को मिलता है ब्राउन ब्रेकर के साथ। एक्चुअली जितने भी लोग फेटल फोर वे मैच के अंदर थे सबसे आकर ब्राउन ब्रेकर मतलब मिल रहे थे, पर भाई तभी वहां पर हमें सेमस देखने को मिलते हैं, सेमस आकर बुच के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं, पर जैसे वो डंटा से फिर से अटैक करने वाला है तो वहां पर भाई फिर से आ जाता है रेफरी। मतलब भाई मैं क्या मुझे नहीं बोलना भाई, मैं गाली देने का मन कर रहा हूं मुझे लिटरली। भाई जब बुच मारते हैं तो कोई नहीं आता, जब यहाँ पर सेमस मारते हैं तो तुरंत आ जाता है। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच के ऊपर हमें डोमडोम और ड्रैगन लीग के बीच में हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है। ये मैच भाई काफी एवरेज सा एक मैच था बेसिकली। भाई इस मैच के अंदर भी हमें वही देखने को मिलता है जजमेंट डे और एलडब्ल्यू टीम के बीच में पूरा फाइट छिड़ जाता है वहीं पर, और ये सारे लोग भाई आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। इसका फायदा हमारे डोमडोम उठाते हैं, थोड़ा सा काम यहाँ पर लिव मॉर्गन करती है, थोड़ा सा काम डोमडोम करते हैं, डोमडोम इस मैच के अंदर अपना फिनिशर लगाकर विन कर जाते हैं और फिर उनका रिया रिप्ली का मतलब गला मिलना होता वही जो होता है वही होता है। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच के बैक से हमें जेट कारगिल और बियांका ब्लेयर देखने को मिलते हैं जिनको आकर मेरी बाबू चैलेंज कर देती है। मेरी बाबू बोलती है कि थोड़ा संभल कर रही हो, ये मंडे नाइट रॉ मेरा, मैं तुम्हें नेक्स्ट चैलेंजर मतलब मैं तुम्हें नेक्स्ट चैलेंज करने वाला। वैसे देन इसको भाई नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें नटालिया देखने को मिलते हैं। नटालिया एक कैनेडियन, इसलिए भाई आज के शो
पर आए थे। बेसिकली भाई जेलिना वेगा का मैच होने वाला था सोनिया डेविल के टीम के साथ, और जेलिना वेगा के टीम में दो ही लोग थे यहाँ पर, इसलिए हमें फाइनल नटालिया का रिटर्न देखने को मिलता जो कि मेरे ख्याल से जुलाई मंथ के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। वैसे अगर हम लोग इस सिक्स मैन टैग टीम मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर फाइनल में नटालिया ही विन कर जाती है, और नटालिया और जेलिना वेगा को मेरे ख्याल से भाई काफी टाइम बाद यहाँ पर विक्ट्री मिलता है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलता है। भाई ड्रू मैकइंटायर आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। ड्रू मैकइंटायर सबसे पहले खुश होते हैं कि उन्होंने फाइनली सीएम पंक को सुला दिया, अब सीएम पंक कभी वापस नहीं आने वाला है। वो बोलते हैं कि सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आया था तो मैंने उसके साथ फाइट करके मैंने उसको हाइप कर दिया। साथ ही साथ भाई ड्रू मैकइंटायर बिल्कुल पगला जाते हैं, किसी को शिकार बनाना चाहते हैं आज के रॉ के ऊपर। सामने भाई बेट बैरेट दिख जाते हैं उनके पास, मतलब जाकर भाई उनको पोक करना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि मुझे पता है पिछले रॉ के ऊपर जब मैं सीएम पंक को मार रहा था तो तुम बीच में आ गए थे मुझे छुड़ाने के लिए, तुम ये बता कि तुम बीच में क्यों आए थे, तुम तो मेरा पुराने दोस्त हो, तुम क्यों आए बीच में, ये चीज दोबारा हुआ तो मैं दोस्ती भूल जाऊंगा, मैं तुमको बहुत मार मारने वाला। और भाई यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर अटैक करने वाले होते तभी भाई सामने से एडम पियर आते हैं, और यहाँ पर एडम पियर आकर बोलते हैं ड्रू मैकइंटायर तुम पूरा पगला चुके, इसलिए मतलब मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा, तुम ऐसे किसी भी लोग को अपना शिकार नहीं बना सकते। हाँ तुम्हारे लिए बैड न्यूज है कि करंट टाइम सीएम पंक मेडिकली क्लियर है, वो तुम्हारे साथ फाइट भी करना चाहता है बैड ब्लड के अंदर। बैड ब्लड के लिए तुम्हारा और सीएम पंक का मैच ऑफिशियल होता है हेलिना सेल मैच, और इसके बारे में भाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको याद होगा तो यही मैच होने वाला है। वैसे देन इसका नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें कैरियन क्रॉस देखने को मिलते हैं, अकेला अपने टीम के साथ नहीं होते, और यहाँ पर भाई बेसिकली वो मिस को पटाने की कोशिश करते हैं, मिस को अपने टीम के अंदर वो लाना चाहते थे। फिर वहाँ पर हमें जेबियर बोर्ड भी देखने को मिलते जो कि मिस से पूछते हैं क्या बात कर रहा था, तो मिस यहाँ पर बात को टाल देते हैं, मे बी भाई मिस आगे का प्रोग्राम अपने कैरियर के अंदर कैरियन क्रॉस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे देन इसका नेक्स्ट हमें आगे हमें शो के ऊपर हमें रे मिस्ट्रो का मैच हमें फिन बैलर के साथ देखने को मिलता है, और इस मैच के अंदर भाई ऑलरेडी सारे लोग बैंड हो चुके थे, मतलब किसी के टीम का कोई भी मेंबर रिंग साइड के ऊपर आ ही नहीं सकता। मैच के अंदर होता क्या, रे मिस्ट्रो इस मैच के अंदर सिक्स मैन नाइन लगाने की कोशिश करते पर वहीं पर फिन बैलर उनको पकड़ लेते हैं, फिन बैलर भाई लिटरली उनको वहीं पर नॉकआउट कर देते, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, और इस मैच के अंदर रे मिस्ट्रो हार जाते हैं, फिन बैलर वहीं पर लिटरली वो विन कर जाते हैं। भाई किसी का जरूरत भी नहीं पड़ा, उसके बावजूद ही फिन बैलर इस मैच के अंदर विन कर जाते हैं। वैसे देन इसका नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें फिन बैलर का टीम पूरा देखने को मिलता है, जजमेंट डे फिर से मतलब वही इनका स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। वैसे सारे लोग बोल रहे होते कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बस इनका स्टेटमेंट बस ऐसे ही आता है। वैसे देन इसका नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें ब्रॉन ब्रेकर का फेस ऑफ हमें जे उसो के साथ देखने को मिलता है, इलिजा ड्रैगनोव के साथ भी देखने को मिलता है। इलिजा ड्रैगनोव यहाँ पर बोल रहे होते हैं मेरा पुराना दुश्मनी ब्रॉन ब्रेकर के साथ है, पर ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं मैंने भाई तुझे हरा दिया, मेरा कोई तुमसे दुश्मनी है ही नहीं, मतलब तुम क्यों बोल रहे हो मुझे। वैसे फाइनली भाई शो का मेन इवेंट होता है जहाँ फेटल फोर वे मैच ये चारों रेसलर के बीच में होता है, और भाई ये मैच बड़ा कमाल का था। ब्रॉन ऑस्ट्रोमैन का हमें डोमिनेंस देखने को मिला, इलिजा ड्रैगनोव का हमें डोमिनेंस देखने को मिला। भाई मैच के लास्ट में क्या होता है, ब्रॉन रेड फाइनली अपना वापसी कर लेते हैं, आकर ब्रॉन ऑस्ट्रोमैन के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं। यहाँ पर भाई ब्रॉन ऑस्ट्रोमैन इस मैच से आउट हो चुके थे, बाकी जे उसो वगैरह सारे लोग बचे हुए, तो जे उसो भाई अपना सुपर किक मारते हैं इलिजा ड्रैगनोव को, इलिजा ड्रैगनोव को वहाँ पर सबसे पहले हटाते हैं, और फिर वो बुच के ऊपर अपना फिनिशर लगाते हैं। इस मैच के अंदर फाइनली भाई जे उसो विन कर जाते हैं जो कि उनको विन करना ही था। ओवरऑल भाई आज का मंडे नाइट रॉ आपको कैसा लगा आप लोग बताएगा। वैसे स्मैकडाउन ज्यादा स्पेशल होने वाला मेरे ख्याल से, स्मैकडाउन काफी कमाल का होगा। बाकी भाई वीडियोस लाइक गाइस, चैनल सब्सक्राइब भाई, शेयर दिस वीडियोस गाइस, वीडियो लाइक गाइस।